होगी तैयारी तो या अच्छा आप निकालोगे इसमें से। अच्छा अंकल जी इस बात की क्या गारंटी है प्योर है? गारंटी बस अगर कोई नकली काट देने पर $50,000। अच्छा $50,000 रुपये भाई। अंकल जी यहाँ कहना है भाई कोई भी इसमें काट देनी भाई कुछ भी कमी तो $50,000 रुपये इनाम के है भाई। सारा का सारा नुका है भाई प्योर चीज यूज कर रखी है। गुड़ भी प्योर है, खाट प्योर है, काजू प्योर है। अच्छा काजू भी प्योर है, कोई मिलावटी चीज नहीं है। और कोई नुका पे मिलावटी इसमें दिखाई देने भाई इसमें कुछ न कुछ अड़ंगा गेट रखे मिलावटी गेट रखे $50,000 रुपये इनाम अंकल की तरफ से। अब देख लो भाई प्योर आयुर्वेदिक चीज जो है यहाँ पे तैयार की जा रही है भाई। देख लो भाई तमें सारे के सारे जो अच्छी तरीके से लो भाई देखो लो भाई। फिलहाल मैं इस सड़क तान लग रहा था मैंने देखा भाई यो एड इस प्रकार था आसा पासा चर्चे चल रहे थे जो इस प्रकार मजदूर हेड कहने लग रहे थे बैड एक नंबर की मिठाई मिला प्योर आयुर्वेदिक मिठाई। मिठाई में देखो भाई आयुर्वेदिक रसगुल्ले, आयुर्वेदिक बर्फी, आयुर्वेदिक काजू कतली मतलब कुछ भी ले लो तमें सारी की सारी चीज आयुर्वेदिक मिलेगी। फिलहाल आप देखा राम राम भाई साहब। राम राम भाई। राम राम सैनी भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? भाई मेरा नाम है दास सैनी भाई। अच्छा दास सैनी भाई नू बता आस पास मैंने सुनिए है कि झूठ बोल रहा भाई सारी चीज आयुर्वेदिक मिला मिठाई इसमें कोई झूठ नहीं है मड़ी से भी जो तने कही है नहीं आयुर्वेदिक मिठाई भाई पक्का बनावा। हाँ भाई ने दिखाई भी देंगे आपे बनावा भाई काजू कतली देसी गुड़ की और देसी खांड की भाई या की बर्फी भी गुड़ की और खांड की जो भी खाओगे अगला कोई बीमारी हो कह जाकर शुगर फ्री मिठाई बनावा भाई। शुगर फ्री मिठाई बिल्कुल भाई शुगर फ्री भाई मैंने पहली बार सुनी है बात तो यार शुगर फ्री खाई पहली बार का यार जो घी है की बर्फी हो बात तो यार कई प्रकार की बीमारियां में काम आवे है भाई। मैं मिठाई को नहीं दवाई बनावा है। अच्छा मैं दवाई बेचा मिठाई के नाम पे। अच्छा एक बार किसी ने खाली याद रखेगा पक्का दोबारा लीजिएगा दोबारा के रोजे आओगा। अच्छा तो भाई साहब एक बार प्रोसीजर तो दिखाई दो कुकर बनाओ कुकर नहीं देखो। अरे एक बात हो रहा है आयुर्वेदिक दवाई बनावा बिल्कुल नहीं सर की गोद में बैठ कर नजर मार भी ले देख लो भाई कितने पेड़ पौधे है शुगर तो देखो बिल्कुल नेचुरल तरीका था वह प्रकृति में रहने का शौक है इस भाई को और इसके पिताजी को भी और बढ़िया नु को है भाई जो घी है की बर्फी बनाओ वापस तमना पे रहे कितने फायदेमंद हुआ है बस सारी चीज जो है आयुर्वेदिक मनावा है और बर्फी भी तमना बता दी गुड़ की बर्फी मनावा है कोई तमने वो डाल की बर्फी सुनी होगी लेकिन गुड़ की बर्फी पहली बार सुन दोगे यानी प्योर आयुर्वेदिक चीज जो है यहाँ बनाई जाती है भाई का कहना है। फिलहाल अंदर की तरफ दिखाते हैं चलो भाई आ जाओ भाई साहब एक बार लो भाई। फिलहाल तो हमने दिखाऊंगा मशीन चलती दिखाइए दास भाई एक बार मशीन मसान ले भाई इस प्रकार से या मशीन किस चीज की भाई साहब यार काजू किसने की है काजू किसने की काजू किसने काजू पीछे जाओ तो भाई इसके अंदर प्योर सफाई करी जावे है भाई का कहना है प्योर आयुर्वेदिक जो है यहाँ पे बर्फी तैयार की जा रही है काजू कतली सारी चीज जो है प्योर तैयार की जा रही है। फिलहाल तो हमने दिखाया जो भाई फिलहाल आगे दिखाए थे प्रोसीजर यो है गुड़ बिल्कुल पीस रखे हुए हाँ, पीस रखे है पूरा तुम्हारे अच्छा। भी यो हनी गुड़ आप काजू हम मिक्स करांगे। अच्छा काजू हम मिक्स यूज कर दे। अच्छा अच्छा देसी गुड़ जमा दे छत्तीसगढ़ तले आया गुड़ है तुम्हारे एक नंबर का जो प्योर देसी गुड़ प्योर देसी देख लो भाई गुड़ है कदे सो चोर की में है गुड़ है भाई देखो भाई वास्तव में भाई सब प्योर देसी गुड़ ले रहे हो भाई तुम दो जमा देसी एक नंबर का जमा इस बाल्टी में भी गुड़े है इसमें भी गुड़े पड़े भाई देख लो भाई जो ये गुड़ है इसके अंदर मिलाया जाता है बिल्कुल बारीक किया जाता है वह बिल्कुल बारीक करके ना ये भी इसमें जो कर रहे हैं थोड़ा तो गुड़ हो गया भाई हाँ। गल्ला आप इसमें ओ खांड यूज करांगे दिखाऊंगा तुम खांड भी अच्छा हाँ। साथ में खांड यूज करोगे मतलब सारा देसी माल यूज करो पूरा भी शुगर फ्री जमा बिल्कुल कोई ख्याल कोई दिक्कत नहीं कोई बीमारी नहीं रहेगी कोई बीमारी नहीं रहोगी जिसका बीमारी है डायबिटीज वाले हैं जो भी खाए इसके। अच्छा ठीक है डायबिटीज वाले मतलब शुगर वाले लगभग खाए नहीं सकते तो मैं भी खाए इसके कोई दिक्कत को नहीं लब देख लियो पूरा प्रोसीजर तरीका से जैसे इस प्रकार से जो गुड़ तैयार कर दिया है पीस कर अच्छी तरह से मीन कर दिया इसको और फिर इसको इसके अंदर खांड मिलाओगे अब खांड भाई हाँ। इसके अंदर खांड मिलाएंगे अब देखो आगे दिखाते हैं आपको लो भाई फिलहाल तो हमने दिखाई दे जो है काजू डाला के भाई इस मशीन के अंदर जो है काजू डाले जाएंगे लो भाई देख लो फिलहाल उसको दूध रख दो भाई हर तो हमने दिखाई दे भाई साहब
जो है अब ये काजू पीस दिए गए हैं, ये काजू पीस करके इसके अंदर डाले जाएंगे। फिलहाल देख लो बस, अभी भी ये काजू इसमें डाले जाओगे? काजू हमारे इसमें गेड़ा में है। अच्छा अच्छा, मतलब काजू जो है इसके अंदर डाल दिए भाई, मतलब पीस के बिल्कुल बिल्कुल डाल दिए भाई। तब पूरी प्रोसीजर तरीका तो हम दिखाऊंगा, प्यूरी उनका करनी आयुर्वेदिक मिठाई तैयार की जा रही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लगा ये पीस ये काजू जो भाई सब देख लो, गुड़ और खंड डाल दिया। अच्छा, ये बीच में गुड़ डाल दोगे, खंड डाल दो? खंड डाल दो। अब इसके अंदर गुड़ डाला जाएगा और खंड डाला जाएगा, तो हमें देख सको भाई पूरा का पूरा जो है आयुर्वेदिक जो है मिठाई बन रही है। देख लो, कोई भी डायबिटीज वाला भाई भाई वो भी इसको खा सकता, भाई का कहना है ये। और मैं बताऊं, इसके अलावा यहाँ पे जो लौकी है यानी घिया है उसकी बर्फी बनाते हो नहीं जी? जो लौकी घिया है उसकी बर्फी भी यहाँ बनाते हैं, मतलब सारी चीजें प्योर आयुर्वेदिक बनाते हैं। अब इसके अंदर गुड़ डाला जाएगा, ले भाई ये डाल दिया इसके अंदर गुड़, भाई डाल दिया गुड़, ये गुड़ डाल दिया भाई। लगभग देख लो बतामी इस प्रकार से इसके अंदर जब ये घूमेगी, घूम करके ये है जो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। मिक्स होकर ने अभी जो खांड लेने उड़ गया भाई, तो खांड भी इसके अंदर डाल दी जाएगी। अब खांड जो है लेके आ रहे हैं, जब फिलहाल ये आ चुकी है खांड, देसी खांड, प्योर देसी खांड है या। और फिलहाल भाई इसके अंदर डाल देगा, लब डाल दी खांड, लब प्योर देसी माल डाला है, देसी गुड़ देसी खांड। अरे देख लो इसको फेंटा जाएगा, ये घुमा करके अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी। पहले इसको गर्म किया जाएगा क्या? पहले अच्छा पकाओगे, अभी अभी इसको स्टीम पे पकाओगे भाई। देख लो बेटा मैं पूरी तरीके से जो है चल पड़ा है भाई साहब, देख लो भाई पूरे, मतलब वो क्या करनी है, आंखों देखी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। सारी की सारी चीज़ भाई ने ओरिजिनल दिखाई है, ताकि ग्राहकों को ये विश्वास हो सके भाई यहाँ पे प्योर आयुर्वेदिक मिठाई बनाई जाती है। आप देख सकते हो अब इसको जो है घुमाया जा रहा है, घुमाया जा करके इसको फेंट करके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर ये अभी गर्म हो रहा है साथ में, साथ में जो है पकड़ लग रही है, पकड़ लग रही है। नीचे देख लो बस, स्टीम जो है इसके अंदर स्टीम गला देख लो, ये पाइप है पूरा का पूरा बाहर से स्टीम आती है इसके अंदर ना, ऊपर से देख लो भाई जो है स्टीम इस पाइप के अंदर से आकर के यहाँ से होकर के यहाँ पे इसको गर्म किया जाता है। तो भाई बिल्कुल खुशबू एक नंबर की आई, देख लो बता वाह क्या बात है। अंकल जी कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 35 साल हो गए। देख लो भाई 35 साल हो गए अंकल जी को काम करते हुए, 35 साल का इतना तजुर्बा है भाई, ये पता है भाई आयुर्वेदिक जो मिठाई हो कैसे बढ़िया तरीके से बनाई जाती है। फिलहाल जो है आपको दिखा देते हैं मैं पूरा प्रोसीजर तरीके से, देख लो अंकल जी पूरी प्रोसीजर तरीके से जो है मिठाई बना रहे हैं और जो है आयुर्वेदिक मिलते हैं। अच्छा ऑर्डर भाई साहब दूर दूर से आते हैं? बिल्कुल ऑर्डर दूर दूर से आते हैं। अच्छा मिठाई चाहिए रेडी रखा है कितना है ऑर्डर? 50 किलो 100 किलो 200 किलो। अच्छा ऑर्डर हमेशा तैयार पाओ भाई, ऑर्डर बताओ। अच्छा सिंगल भी भेज दे तो किसी ने सिंगल एक दो डब्बे मिठाई मिल जाएगी, मिठाई मिल जाएगी बिल्कुल ऑर्डर करो मिठाई मिला। ऑनलाइन सारे ऑर्डर प्लेस करते हो, कुरियर करते हो? लब कड़े तक भी हो, कोई भी भाई हो, कहीं से भी हो, कौन सा भी स्टेट से हो, तो भाई ऑर्डर भी कर देते हैं। और अब देख लो भाई, अब देखो भाई प्योर लग है, अब तो लग है भाई सब लग तो के है, बनाए दी तुम प्योर जो आयुर्वेदिक जो काजू कतली हुआ करे नी वो जो है इसके अंदर बनने लग रही है। और फिलहाल तो मैं दिखाई दी मैं पूरी प्रोसीजर से अंकल जी को 35 साल का तजुर्बा है और यहाँ 35 साल में आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से इसको फेंटा जा रहा है। क्या अंकल जी? अच्छा अच्छा लब देख लो भाई, हाँ हाँ लब आप इसकी बात करा बिल्कुल जमानू कर नहीं हरियाणा में जो एनडी त्रिया मुस्तका हो तो एक नंबर वास्तव में
ਸਟੀਮ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ फिलहाल हो गई है काजू कतली तैयार होगी भाई सब तैयारी है बस हाँ। 10 मिनट और हो गए मतवाने वाले देख लो रंग बिल्कुल चेंज हो गया इसका नहीं और जो गुड़ जैसा कलर हो गया अभी हाँ। हाँ। चीनी की तो है बंदा बिल्कुल बिल्कुल आजकल चीनी की खाने बंदा हां का शुगर है किसी के में बीमारी भी तो कई पैदा होती है देसी चीज बनाई है भाई देसी चीज बनाई है बिल्कुल अच्छी तरीके से जब एक नंबर की मानो बढ़िया तरीके से देख लो भाई लगभग कितना टाइम लग जाता है इसको तैयार करने में इसको तैयार करने में लगभग लगभग काजू बेड़े पड़ा है एक चंदर काजू बेड़े पड़ा है मेरे को लेने हैं अच्छा गोरिया बने गया 40 किलो अच्छा इसमें लगेंगे 4 घंटे चार घंटे हाँ अच्छा पूरा का पूरा टाइम लगाएगा पूरी अच्छी तरह से पका के अच्छा अच्छा देख लो भाई पूरे तरीके से जो है ये काजू कतली तैयार की जा रही है भाई कोई नहीं बात करता करता आप तो रोड़े ले आंदा ये तो लो भाई फिलहाल देख लो तमे भाई प्योर जो आयुर्वेदिक काजू कतली है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पे अंकल जी होगी लो भाई फिलहाल देखो तमे प्योर ऑर्गेनिक काजू कतली अब तैयार हो चुकी है अब इसको निकाला जा रहा है अब निकाल करके इसको अच्छी तरह से अंकल जी अब इसमें क्या मिला जाएगा इसको बेलोगे पहले हैं मेज कर लो भाई ये प्योर ऑर्गेनिक जो है काजू कतली जो तैयार हो चुकी है देख लो भाई अंकल जी इसको निकाल रहे हैं अच्छी तरह से ये देखो पूरा का पूरा आप प्रोसीजर दिखा रहे हैं लो भाई फिलहाल होगी है तैयार प्योर ऑर्गेनिक काजू कतली कलर देख लो तो हमें कितना बढ़िया कलर है एक नंबर का गुड़ जैसा अंकल जी हो गई अब तो तैयार अभी भी ठंडी होती है 10 मिनटों के फिर आप मेज पर गिर के ना बेल लाने दी अच्छा मेज पर गिर के फिर बेल लोगे इसने मेज पर डाल के हां बेल ले जाओगे ले भाई देख लो भाई तमे सुनो एक नंबर की जमानो को सुती एक नंबर की मुस्कुराओ जमानो बढ़िया और क्या बात है ले भाई देख लो भाई तमे वाह मुकार इतनी एंडी आ अंकल जी पूछो ना जमा खाने लग रहा नहीं फिलहाल देख लो तमें काजू कतली जो है तैयार करने के लिए इसको जो है मेज पे रखा गया मेज पे जो है अंकल जी रख रहे हैं यहाँ पे पूरे प्रोसीजर के तरीके से यहाँ पे जो है काजू कतली बनाई जाएगी आप देख सकते हो इसको ठंडा किया जाएगा ठंडा करके ठंडी अंकल जी ठंडी तो हो गई ना ये अच्छा मेज पे बेलोगे कितनी देर बेलोगे इसको यहाँ पे अच्छा देख लो हो उसके लिए एक बढ़िया प्रोसीजर एक बढ़िया तरीके से एक आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से काजू कतली जो है तैयार की जा रही है आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसको जो है दबा करके अच्छी तरह से इसको जिस प्रकार से बर्फी टाइप में जो है बनाया जाएगा और आप देख सकते हो अच्छी तरह से मेहनत करते हुए बिल्कुल प्योर तरीके से ये तैयार की जा रही है अच्छा प्योर मतलब साफ सफाई से अंकल जी तैयार की जा रही है और आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मक्खी एक भी मक्खी नहीं मिलेगी आपको एक भी कैसी होती है और डब्बे जो है ये तैयार की जा रहे हैं ये जो डब्बे है ये डब्बों में जो पैक करके जो है ये बाहर ऑर्डर की जाती है आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी मक्खी नहीं मिलेगी बिल्कुल साफ सफाई इतनी बढ़िया साफ सफाई मिलेगी जाली वाले कमरे बनाते हैं अंदर ताकि कोई मक्खी मच्छर इंटर ना हो उसके पूरा ध्यान किया जाता है मतलब पूरा ध्यान रख करके इस काजू कतली को तैयार किया जाता है फिलहाल आप बाहर भी देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरह से सफाई है पूरी नेचर प्रकृति का आनंद लेते हुए इसको पूरी नेचुरल तरीके से पूरे ऑर्गेनिक रूप से इसको तैयार किया जा रहा है तो आप देख सकते हो भाई हो सकता है और कोई झूठ बोल रहा हो लेकिन हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मक्खी और मच्छर बिल्कुल भी नहीं है ना ही नीचे है और ना ही आपको ऊपर होगा बिल्कुल साफ तरीके से जो है इसको बनाया जा रहा है मेन बात सबसे बढ़िया बात मेरे को यही लगी कि यहाँ पे जो साफ सफाई है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है और इस प्लांट के अंदर प्योर आप देख सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से जो है काजू कतली बनाई जा रही है